गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी डिस्कस असाइनमेंट 3.3 क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। ओके एंड स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 4। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मतलब वही साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने थर्ड क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही हमें फोर्थ करना है, लेकिन फोर्थ का फर्स्ट सेकंड तो आप कर लोगे, है ना। लेकिन थर्ड वाला अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम थर्ड वाले क्वेश्चन को एक आज डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो 27,000 ये हमारा लिखा हुआ है, तो THS लिखा है, तो हम जानते हैं ये थाउजेंड्स है, मतलब कि पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करके देखते हैं यहाँ पर। तो 27,000 जो है, तो इसको हम क्या लिखें, इसको हम लिखेंगे 27 के अपॉन में 1000, क्योंकि THS क्या होता है, अपॉन में आता है। ये 27,000 नहीं है, ये थाउजेंड्स है, ठीक है। तो ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था, आपको पता हो। तो 27 अपॉन 1000 हो जाएगा। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 लिखा हुआ है तो ऊपर का नंबर सेम आएगा 27, और यहाँ पे 30 है तो हम पीछे से काउंट करेंगे तो 1 2। अब एक नंबर कम पड़ रहा है तो हमने आगे 0 लगाई और पॉइंट लगाया और 0, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डेसिमल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आप जानते हो कि पॉइंट कहाँ जाएगा, डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 के बाद में, क्योंकि पॉइंट के आगे 1 नंबर होना चाहिए, 1 से लेकर 9.9 तक। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको पूरे डिटेल में बताया था। तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ आएगा, इस 2 के पीछे, 2 और 7 के बीच में, है ना, क्योंकि 27 10 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा, और 2 के आगे आएगा नहीं क्योंकि 1 से कम आएगा। तो हमें 1 से ग्रेटर चाहिए और 10 से कम चाहिए, या 1 के इक्वल भी होगा तो भी चलेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से 2 और 7 के बीच में आया, तो 2.7 आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखते हैं। तो जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को ले जाएंगे तो पावर किस में आती है, माइनस में, तो -2 आ गया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो इसी तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चन किए हैं, तो आप इस तरह से कन्वर्ट करना ज़रूर सीख लें। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 एंड 4.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है, सॉल्व करते हैं हम इसको। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। तो पहले इनका प्रोजेक्ट करेंगे, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th में हम 3.2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6 का 4.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 से, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, नंबर डेसिमल वाले का डेसिमल वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनको हमने आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 3.2 का मल्टीप्लाई किया हमने 4.1 से, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो यहाँ पर 3.2 का 4.1 से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 13.12 आंसर आएगा। तो अब कैसे आया, तो 3.2 का 4.1 में जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा मल्टीप्लाई का तो आंसर आ गया, उसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक नंबर है और यहाँ पर भी एक नंबर है, तो 2 नंबर हो गए। तो पीछे से 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा दिया, तो ये 13.12 आंसर आया मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर में आप 6 देखेंगे और -2 देखेंगे, तो हम एक रूल जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और पावर चेंज हो और मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो पावर क्या होती है, प्लस। तो प्लस मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो यहाँ पर 6 प्लस नेक्स्ट पावर क्या है, माइनस की है, तो माइनस की है तो उसको ब्रैकेट में लिखा, तो 6 प्लस अदर पावर, तो m प्लस n हमने लिख दिया, है ना। अब 13.12 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 2, तो 13.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हुआ, 6 में से 2 गया तो 4। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, क्योंकि प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ये जो हमारा आंसर आया इसमें तो 13 पॉइंट क्या आगे आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, पॉइंट के आगे केवल 1 डिजिट रहेगा, मतलब 10 से कम
वाला आंसर होना चाहिए और एक से या एक के बराबर होना चाहिए। तो 13 तो ज़्यादा होते हैं, तो हम इस पॉइंट को एक नंबर आगे लेके आएंगे, तो 1.3 हो जाएगा, 1.312 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम एक नंबर आगे लेके आ रहे हैं तो जो हमारी जो पावर है 10 की वो एक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट साइड से जब हम लेफ्ट की तरफ लाते हैं तो पावर प्लस में आती है, तो एक पावर और प्लस हो जाएगी क्योंकि हम राइट से एक ही नंबर आगे लेके आए। तो जब हम 1.312 आए हैं तो 10 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगी, एक क्यों बढ़ी? क्योंकि हम एक नंबर आगे लेके आए, राइट से लेफ्ट लाएंगे तो प्लस हो जाता है। तो 1.312 इंटू 10 की पावर 5, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया प्रोडक्ट का, जो हमने मल्टीप्लाई करके पूरा सवाल सॉल्व किया। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डेसिमल नोटेशन। तो हमारा ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पावर में, 10 की पावर में, इसको डेसिमल नोटेशन में लिखना है, मतलब कि नॉर्मल तरह से जो ग्रेटर नंबर या स्मॉल नंबर आते हैं उस तरीके से हमें लिखना है कि लार्जर नंबर कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा नंबर बनेगा, स्मॉल नंबर मतलब पॉइंट में लिखना है, 0.000 या तो ऐसा बनेगा या फिर हमारा 54,000 लाख इस तरह से बड़ा नंबर बनेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, डेसिमल नोटेशन में लेके आते हैं। तो एक 10 की पावर माइनस वाला करेंगे, एक 10 की पावर प्लस वाला करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लस की पावर वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तो 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 1.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1.26 तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, मतलब कि 10 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 8 टाइम्स। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 लिखा और उसके पीछे 80 लगा दी, क्योंकि पावर कितनी 8, तो जब 10 का मल्टीप्लाई 8 टाइम करेंगे तो 1 के पीछे 80 आएगी, है ना। तो ये हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर ली, 1.26 इंटू 1 के पीछे 80, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो वही नंबर आता है, तो 1.26 लिखा, है ना, और उसके पीछे कितनी 0 लगा दी, 80 लगा दी, तो हमने 80 लगा दी। अब हम डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल का तरीका क्या है, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 एंड 2, तो लास्ट से काउंट करेंगे, 1 एंड 2, तो पॉइंट लगा दिया। और हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद 0 0 ही आ रहा था, उसको हम हटा सकते हैं, तो 1.26 लिख के कितने 0 रह जाएगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 0 रह जाएगी। तो ये हमारा डेसिमल नोटेशन आ गया, ओरिजिनल फॉर्म आ गया। ठीक है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड वाला क्या है, माइनस की पावर वाला है, हमने एक प्लस की पावर वाला ले लिया, अब माइनस की पावर वाला देखते हैं। तो 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, तो माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए हम जानते हैं अपॉन में लेते हैं, एक फार्मूला है उसमें 1 अपॉन में आता है ना, आपको ये फार्मूला बताया था हमने 3.2 में या 3.1 में बताया था, तो देख लीजिएगा आप उसको। तो 7.5 मल्टीप्लाई इसको क्या लिखें, 1/10^6, ये 6 की पावर क्या होगी, प्लस बन गई, माइनस थी तो क्या बन गई, प्लस। कब बनी, जब हमने 1 के अपॉन में लिखा, तो 1 का मल्टीप्लाई 7.5 में होगा तो 7.5 ही आएगा। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर, तो 7.5 आएगा। इसके बाद 1 के पीछे कितने 0 आएंगे, 6, क्योंकि पावर क्या है, 6 है, तो 1 लिखेंगे उसके पीछे 6 0 लगा दें। अब डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 1 लिखा, हम पहले डिवाइड करने से पहले डेसिमल हटा लेते हैं, तो ऊपर डेसिमल जब हम हटाएंगे तो उसके बाद कितने नंबर है, तो हम जानते हैं डेसिमल जब हम हटाएंगे तो उसके बाद एक नंबर है, तो 1 0 और लग जाएगी यहाँ पे, है ना। तो कितना हुआ, 1 के पीछे कितने 0 हो गए, 7 0 हो गए, तो 75 और 1 के पीछे 7 0। अब हम डिवाइड सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बार जानते हैं जब अपॉन में 1 होता है तो ऊपर का नंबर आंसर आता है, तो 75 लिखा। इसके बाद कितनी 0 है, हमारे पास 7 0 है, तो हम पीछे से काउंट करेंगे 7 नंबर, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल के आगे 0 आते ही है,
तो हमने जीरो लगा दिया, तो ये हमारा डेसिमल नोटेशन आ गया है। ठीक है, तो माइनस की पावर वाले को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर से समझ लीजिए, 75 में हम 1 के पीछे 70 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे 1 लिखा तो 75 का 75, उसके बाद 70 है तो हम 1 2 दो नंबर तो हमें मिल गए, लेकिन अब कितने नंबर और चाहिए, 5 नंबर और चाहिए, तो 50 और हमने लगा दी और फिर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के आगे 0। तो ये डायरेक्ट हम इस तरीके से डेसिमल डिवाइड करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, तो हम इसमें 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी रिमेनिंग आपको होमवर्क में सॉल्व करना। इसी तरह से 6 के भी रिमेनिंग आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर कॉपी कंप्लीट करनी है, क्योंकि दिवाली के समय आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। ठीक है, तो आप अपना कोर्स भी कंप्लीट करते रहें, फिर कॉपी कंप्लीट करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, और सेकंड नंबर है 97.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। तो इन दोनों को कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। 13.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, और नेक्स्ट नंबर है हमारा 97.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। तो यहाँ पे इन दोनों नंबरों को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 की पावर को सेम बनाएंगे, क्योंकि 10 की पावर अगर सेम बन गई तो हम नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं दोनों नंबर को हमने लिखा और बीच में क्या लगा दिया, ब्रैकेट। इसके बाद 10 की पावर 12 है, तो ज़्यादा वाले को कम बना सकते हैं, कम वाले को ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे हम, है ना। तो यहाँ पर 10 की पावर 11 है, यहाँ 10 की पावर 12 है, तो 12 को 11 आसानी से बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 13.56 इंटू, अभी 12 टाइम है, 10 कितनी बार है, 12, उसमें से 1 टाइम हमने अलग कर लिया सेपरेट, तो 1 टाइम राइट करेंगे तो कितनी बार बचा, 11 टाइम बचा, तो 10 की पावर 11 हो गई, क्योंकि हमने एक बार हमने इसको अलग लिखा है। नेक्स्ट ब्रैकेट बना के नेक्स्ट में हमारा पूरा सिमिलर रहेगा, 97.56 इंटू 10 की पावर 11। अब 10 की पावर 11 तो सेम हो गया, अब हम कंपेयर किसको करेंगे, नंबर को, तो पहले हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई पूरे नंबर में तो वही नंबर आएगा, उसके बाद 0 की 0 लगा दी हमने लास्ट में, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो हमने पीछे से काउंट किया 1 एंड 2 और पॉइंट लगा दिया, तो 135.60 ये हमारा आंसर आया मल्टीप्लाई का। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई आपको करना हमने 2.12 में सिखा रखा है, यह है ना, तो आपको चैप्टर 2 में सिखा रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा 135.60 आया और यहाँ पे 97.56 है, तो 97 से कौन बड़ा हो, तो 135 बड़ा होता है, मतलब ये नंबर हमारा ग्रेटर है, तो हमने सिंबल लगा दिया। और हम ओरिजिनल इस क्वेश्चन को, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो क्वेश्चन था 13.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, वो वाला क्वेश्चन क्या हुआ, ग्रेटर, क्योंकि उससे तो हमने कन्वर्ट किया था इसको, तो वो ग्रेटर है और ये वाला स्मॉल है। आप चाहो तो आंसर देयर फोर में भी लिख सकते हो, तो देयर फोर करके 13.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 इज द ग्रेटर, ये हमारा हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी का है, 9.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 56, सेकंड नंबर है हमारा 1.01 इंटू 10 की पावर 57, तो 57 को 56 बनाना इजी रहेगा, तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 9.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 56 और नेक्स्ट नंबर है 1.01 इंटू 10 की पावर 57। अब हमने क्या किया, दोनों के बीच में ब्रैकेट बना दिया, उसके बाद हम 57 को 56 बनाएंगे, तो 57 को हमने 56 लिखा और एक 10 हमने मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया, तो 1.01 इंटू 10 लिखा, एक 10 कम करेंगे तो हमारा 56 पावर हो जाएगा, तो 56 पावर यहाँ पर भी है और 56 पावर यहाँ पर भी है, तो ये 9.73 तो रहेगा 10 की पावर 56, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई जो हमने किया तो 101 आएगा, उसके पीछे 10 लग गई,
तो 1010 हो गया। उसके बाद हमने डेसिमल के बाद दो नंबर है तो पीछे से काउंट किया 1 एंड 2, तो 10.10 ये हमारा आंसर आया, और 10 की पावर 56। अब हम जानते हैं 9.73 से 10.10 ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये वाला ग्रेटर नंबर है। जब ये ग्रेटर है तो हमने ये किससे बनाया था, 1.01 × 10 की पावर 57 से बनाया था, तो ये हमारा ग्रेटर है, तो देयर फोर में हम आंसर लिख देंगे। तो ये बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारा सवाल। नेक्स्ट चैप्टर हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।